क्या दारू 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 के कारण जो लोगों की मृत्यु हुई है उस पर कार्य स्थगन आ जाएगा। तो चाहता क्या है बीजेपी अब शराबबंदी में? क्या बीजेपी चाहते है कि का आप सफल नहीं हो पा रहे हैं दारूबंदी में, इसलिए समीक्षा करके दारू को खोलिए। दारू को लेकर बिहार में आज सुबह से ही राजनीति गरमाई हुई है। बता दें आपको कि छपरा में सुबह में जहरीली शराब से 10 मौतें हो गई, जिसको लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी बिहार के महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। तो वहीं बीजेपी का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून पूरे तरीके से फेल है और इसकी समीक्षा करनी चाहिए और इसको खोल देना चाहिए। देखा जाए जो थके हारे लोग रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको शराब की जरूरत पड़ती है और बिहार में शराबबंदी है और मजबूरी में जहरीली शराब पीना पड़ता है और जिससे मौतें हो जाती है। बता दें आपको कि रामसूरत राय जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून फेल है और दारू सबसे मुख्य मुद्दा है, राजस्व को घाटा भी हो रहा है, तो वहीं लगातार मौतें हो रही है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं रामसूरत राय जो कि बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो सुने आप लोग। आ रही है, आपके प्रशासन अधिकारी क्या कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, एक्साइज के लोग क्या कर रहे हैं, स्थगन किस मुद्दे पर लेकर आए आप लोग? क्या दारू 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 के कारण जो लोगों की मृत्यु हुई है उस पर कार्य स्थगन आ जाएगा। चाहता क्या है बीजेपी अब शराबबंदी में? बीजेपी चाहते है कि का आप सफल नहीं हो पा रहे हैं दारूबंदी में, इसलिए समीक्षा करके दारू को खोलिए। खोलिए मतलब कि आप जो गरीब का जो तारी बंद करा दिए हैं, जो किसानों का पैर है, उसमें लाखों लाखों रुपए आमदनी होता है किसान को, खजूर से तार से, वो चीज़ बंद कर दिए, उससे लोगों का रोजी रोजी रोजगार चलता है, वो बंद हो गया है। तो वैसे खोल करके कम से कम गरीब तो उसमें शुद्ध चीज तो पी सकेंगे, उनका तो जो हरासमेंट होता है, जितना माजी कहते हैं ना कि नेचुरल जूस है, और मुसहर समाज, दलित समाज या गरीब समाज या अति पिछड़ा समाज जो लेबर मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो थकान दूर करने के लिए पीते हैं। तो आप बड़े को थकान करने के लिए तो विदेश भेज देते हैं, बड़ोस में भेज देते हैं, जो 5000 का बोतल जूस पीते हैं, गरीब के 10-20 रुपये बोतल का सामान को बंद करा करके जहरीला शराब पिलवा रहे हैं आप लोग। तो आपने सुन लिया, बिहार सरकार के पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय थे, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, मौतें हुई है छपरा में, इसको लेकर उन्होंने यह साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार जी को समीक्षा बैठक करनी चाहिए और बिहार में एक बार फिर से शराब चालू कर देना चाहिए। गरीब तबके के लोग हो या फिर तमाम जो लोग हैं उनको काफी परेशानियां हो रही है। तो वहीं शराबबंदी कानून एक कहीं ना कहीं फेल कानून है नीतीश कुमार का। तो वहीं भूमि सुधार मंत्री पूर्व रह चुके हैं बिहार के जो है रामसूरत राय, उनका साफ कहना है कि जो अमीर लोग हैं वो बाहर चल जाते हैं, विदेश चल जाते हैं, पी के आ जाते हैं, लेकिन गरीब लोग जाएगा तो जाएगा कहाँ, उनके पास पैसा नहीं होता है। वहीं क्या कुछ कहते हैं रामसूरत राय देखा है आपने। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून को लेकर क्या कुछ करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।